नमस्ते भारत, कैसे हैं आप? दो बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मनविंदर। और यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया है, और वहीं कोरोना की दूसरी लहर पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। दोस्तों, ऑलरेडी यूपी में 3 दिन की बंदी चल रही थी, लेकिन इसी बीच 2 दिन का लॉकडाउन और किया गया है। जाहिर सी बात है, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे, ये पहले ही होना चाहिए था। और कोरोना की दूसरी लहर पे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का लहजा काफी सख्त नजर आया है। उन्होंने केंद्र से कहा है कि वो लॉकडाउन और वैक्सीन की पॉलिसी पे विचार करें। तो मैं समझती हूँ कि यूपी ने अपना 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और वहीं यूपी में 24 घंटे में 290 मरीजों की मौत हुई है, और एक्टिव केस जो है वो कम हुए हैं। तो अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन पॉलिसी पर पुनः विचार करने के लिए कहा, और केंद्र अभी खुद 50% वैक्सीन खरीदता है, बाकी 50% वैक्सीन को निर्माता कंपनी सीधे राज्यों से और निजी संस्थानों को बेच सकती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने ये कहा था कि ये संविधान में दिए गए जनता के जीने के अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी जुड़ा हुआ है, उसे साफ तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है। और गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हिदायतें भी दी हैं। पहले बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। केंद्र और राज्य सरकार ने जो है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पे विचार करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। अदालत कमजोर तबके पे पड़ने वाले लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक नतीजों से वाकिफ है। ऐसे में अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है, तो इससे पहले इस तबके की जरूरतों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, उनको पूरा किए जाने का प्रबंध करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है मरीजों के इलाज की। हॉस्पिटल लोकल आईडी प्रूफ के नाम पे मरीज भर्ती करने या जरूरी दवाएं देने से इनकार ना करें। केंद्र हॉस्पिटल्स में मरीजों को भर्ती कराने के मुद्दे पर 2 हफ्ते में नेशनल पॉलिसी बनाए, ये बहुत जरूरी है। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इस पॉलिसी को सभी राज्यों में लागू किया जाए, सभी राज्यों को इसे मानना होगा। अब देखते हैं वैक्सीन पॉलिसी की। वैक्सीनेशन पॉलिसी, केंद्र वैक्सीन निर्माताओं से दाम पर मोल भाव करे, वे सारी वैक्सीन खुद खरीदे और इसके बाद राज्यों को इनका अलॉटमेंट करे और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इसका। केंद्र राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं के साथ दाम पर बातचीत करने के लिए कह रहा है। केंद्र का तर्क है कि इसमें इससे कंपटीशन बढ़ेगा और निजी मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आएंगे, इससे वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा करना 18 और 44 साल तक के आयु वर्ग के लोगों को, जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, उसको नुकसानदेह होगा। इस आयु वर्ग में बहुजन हाशिए पर रह रहे हैं और कमजोर तबके के लोग भी हैं। ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन का दाम चुकाना संभव नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर के केंद्र सरकार को उन्होंने काफी कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि निजी मैन्युफैक्चरर से ये तय नहीं करेंगे अपने लेवल पे कि कितनी वैक्सीन दी जाए, उन्हें इसकी आजादी बिल्कुल ना दी जाए। केंद्र खुद क्यों नहीं सारी वैक्सीन खरीदता, क्योंकि राज्यों को समान रूप से वैक्सीन देने के लिए वो एक बेहतर पोजिशन में है। और दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन और लग गया है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया था कि यूपी में 10 दिन का लॉकडाउन हो गया है, उसको फेक बताते हुए यूपी गवर्नमेंट ने एक अपना बयान भी जारी किया था, ट्वीट किया था। और अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक जो है ये बंदी रहेगी। 6 दिन में दूसरी बार यूपी में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि
यहाँ एक्टिव केस काफी कम हुए हैं, लेकिन 24 घंटे में 290 मौतें हुई हैं, जो अपने आप में बहुत है। तो दोस्तों, अभी हम इतनी ही खबर की बात करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।